Hello students, now we are going to discuss about the torques in epicyclic gear train. The torque in epicyclic gear train, konsa torque? That is fixing or holding torque on the fixed member. Fixed member मतलब एक आपका, यदि हम epicyclic gear train की बात करें, तो आपके पास एक gear था जो कि आपका input gear था, दूसरा जो gear था वो आपका output gear था, और इन दोनों members को जब हम जोड़ रहे थे, फिक्स मेंबर से जोड़ रहे थे, तो इस फिक्स मेंबर का हमको होल्डिंग टॉर्क या फिक्स टॉर्क निकालना है, ठीक है? उस पर कितना टॉर्क डेवलप होगा, उस टॉर्क को कैलकुलेट करना है. तो फॉर दिस फिक्सिंग और होल्डिंग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं. तो दैट इज ओमेगा वन एंड टी वन ऑन द इनपुट शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट एंड टी टू एंड ओमेगा टू. तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि T1 और T2 का जो डायरेक्शन है बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, ठीक है? मतलब यदि T1 क्लॉकवाइज लग रहा है तो T2 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, ठीक है? और मे बी ये चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितने मेंबर्स आपने लगाए हैं, ठीक है ना? इट डिपेंड्स, ठीक है? और टी थ्री जो है आपका वो होल्डिंग टॉर्क या ब्रेकिंग या फिक्सिंग टॉर्क है. यही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हम यदि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द गियर ट्रेन इज कैप्ड इन इक्विलिब्रियम, जब भी हम कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में मान के चलते हैं, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे समीशन फोर्सेस की बात करते हैं, तो समीशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ज़ीरो. उसी तरह से यहाँ पर भी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं. तो टॉर्क लगा रहे हैं, इट मींस हम किसको इक्वेट करेंगे, मतलब समीशन ऑफ टी, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के. दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर वन. अब मैं टी को क्या बोल सकता हूँ, टी को मैं क्या बोलता हूँ, आप सभी को पता ही होगा ये फार्मूला कि दैट इज टी इक्वल टू एफ इन टू आर, ठीक है? तो यहाँ पर एफ वन आर वन प्लस एफ टू आर टू एफ थ्री आर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर टू. और आपको पता है कि एफ वन एफ टू क्या हो गए, आपके अप्लाइड फोर्सेस, और आर वन आर टू आर थ्री दैट इज़ द रेडियाई ऑफ द गिवन गियर, ठीक है? और मैंने एज्यूम यदि किया कि मेरे पास जो ओमेगा वन ओमेगा टू और ओमेगा थ्री है, दैट इज़ द एंगुलर स्पीड्स ऑफ द गिवन गियर, दैट इज गियर वन गियर टू एंड गियर थ्री. तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज टी वन इंटू ओमेगा वन, टी टू इंटू ओमेगा टू और टी थ्री इंटू ओमेगा थ्री. तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द गियर ट्रेन मस्ट बी जीरो, मतलब जितना इसने दिया उतना ही उसको वापस रिवर्ट मिल गया. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सम आएगा वो क्या होगा, जीरो. अब यदि मैंने फिक्स्ड मेंबर की वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, तो वो तो हमेशा क्या होती है, होता ही घूमता ही नहीं. तो क्या होगा, ओमेगा टू इक्वल टू जीरो. तो टी वन ओमेगा वन प्लस टी टू ओमेगा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो. दैट इज कॉल्ड माई इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है? अब इक्वेशन वन जो हमने ऊपर देखा था, कौन सा इक्वेशन, दैट इज दिस, ये वाला टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से मैं, मुझे ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा निकालना, टी थ्री निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो होल्डिंग टॉर्क मुझे निकालना है. तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन नंबर फोर जो ये है, टी वन ओमेगा वन प्लस टी टू ओमेगा टू इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम होल्डिंग टॉर्क निकालेंगे. बड़ा सिंपल है, कैसे निकालते हैं, बाय द इक्वेशन वन एंड फोर द होल्डिंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क में भी ऑप्टेन. तो टी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का टी वन इंटू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू. कैसे आया ये, इस इक्वेशन से आया, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई टी टू निकालना है, तो इस टी वन ओमेगा वन को दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस का हो गया, और ओमेगा वन से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज माइनस टी वन इंटू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू. और जो इक्वेशन वन था वहाँ पर क्या था, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो. तो टी थ्री की वैल्यू क्या आ गई वहाँ से, टी थ्री इक्वल टू माइनस टी वन प्लस टी टू. अब इन दोनों इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में मैं टी टू की वैल्यू उठाकर यहाँ पर यदि पुट कर दूँ और टी वन क्या ले लूँ, कॉमन, तो क्या आ जाएगा, टी वन बाहर निकाल दिया, तो टी वन बाहर हो गया, तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू माइनस वन, ये एक आंसर आ गया. और यदि मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो ओमेगा वन आ जाएगा, और यदि आर पी एम में दिया है तो ये आ जाएगा टी वन एन वन अपॉन एन टू माइनस वन, ठीक है? चलिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है.
वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आपको एटलीस्ट जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो फिक्स्ड मेंबर पर या होल्डिंग टॉर्क निकालने के लिए आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड आप सारे न्यूमेरिकल्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द गियर ट्रेन, और जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सभी गियर ट्रेन्स के क्वेश्चंस आप लगाएं, और जो भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ ये आई थिंक मेरे हिसाब से गियर ट्रेन अकॉर्डिंग टू द RGTV एग्ज़ाम इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप खुद से कोशिश करें कि आप लगाएं, और घर पर रहकर आप अच्छे से पढ़ाई करें, यही मेरी आशा उम्मीद है, और स्वस्थ रहें। थैंक यू।